महादेव जी यहाँ हरिण के रूप में अवतरित हो गए। तो जैसे ही महादेव जी आए, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी आए, तो हरिण को जो जैसे देखे तो हरिण का सिंह होता है, सिंह दोनों सिंह पकड़ लिए, पकड़े तो सिंह हाथ में रह गया, हरिण लुप्त हो गया और आकाशवाणी हुआ, जो आप लोग जिस कामना से आए हैं वो कामना पूर्ण होगा, ये सिंह अपने अपने लोक ले जाइए और स्थापित करके पूजा कीजिए, जो कामना से कीजिएगा वो कामना निश्चित पूर्ण होगा। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी सोचे जो हम लोग कहाँ ले जाएंगे, लोक कल्याण के लिए, लोगों की मनोकामना पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी द्वारा स्थापित कर दिया गया। दशरथ जी को पुत्र नहीं होता था, तो उनको वशिष्ठ मुनि बुलाए, बारह पुराण में इसका जिक्र है सिंहेश्वर स्थान का, जो दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहा था, तो वशिष्ठ जी उनको बोले जो सिंगी ऋषि के बुलाकर यहाँ पुत्रेष्ठी जग कराइएगा तब आपको पुत्र होगा। तो सिंगी ऋषि को निमंत्रण दिया गया और यहाँ पर बगल में है वहाँ पर पुत्रेष्ठी जग हुआ, तब भगवान जन्म चार भाई से जन्म लिए। तो वहाँ से ही मनोकामना पूर्ण होने का सिलसिला चले आ रहा है। अटैच बाथरूम डबल बेड का रूम है जिसमें नॉन एसी भी है, एसी भी कमरे हैं, और इसका टैरिफ बहुत ही नॉमिनल है, जो भी कोई भी नीचे से नीचे तबके का पर्यटक यहाँ पे आकर ठहर सकते हैं। शादी का भी स्थानीय लोगों के द्वारा बुकिंग किया जाता है शादी के इवेंट के लिए, और अच्छे तरह से आयोजन होता है। सिंहेश्वर स्थान में इससे बढ़िया कोई स्थान नहीं है जहाँ शादी इतना ढंग से किया जाए। नमस्कार, मैं हूं बलराम सर्राफ, आप देख रहे हैं केआर न्यूज़। धार्मिक यात्रा को लेकर हम पहुंच चुके हैं बिहार के मधेपुरा ज़िले के सिंहेश्वर स्थान प्रखंड में। यहां बाबा सिंहेश्वर विराजते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। यहां बाबा सिंहेश्वर का प्राचीन मंदिर अवस्थित है। मंदिर के बारे में जो किदवंती है कि जिस जगह पे बाबा का मंदिर है वहाँ एक मैगी नामक पर्वत हुआ करता था, और इस जगह पे जंगल होता था। वहाँ पे बाबा का जो लिंग अवस्थित है वो मैगी पर्वत पर है, जिसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों उस पर्वत पर निवास करते थे, ऐसी किदवंती है। और एक और किदवंती है कि राजा दशरथ रिंग ये सिंगी ऋषि के माध्यम से यहाँ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ भी करवाए थे, तो उनको चारों पुत्र प्राप्त हुआ था, भगवान राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न। इस मंदिर के बारे में क्या क्या किदवंती है और क्या बता रहे हैं, क्या जानकारी दे रहे हैं, हम यहाँ के पुजारी से बात करके आपको बताने का कोशिश करेंगे। साथ में जगह जगह कि बिहार सरकार द्वारा क्या फैसिलिटी उपलब्ध करवाया गया है जो यहाँ श्रद्धालु भक्त पहुँचते हैं उसके लिए। ठीक पीछे बाबा सिंहेश्वर का गर्भगृह है, मैं आपको कोशिश करूँगा कि बाबा का दर्शन अपने चैनल के माध्यम से करवा दूँ, और जहाँ भी लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं वो निश्चित रूप से पहुँचे और बाबा का दर्शन करें, सब परिवार और पुण्य के भागी बने। सिंहेश्वर नाथ महादेव मंदिर का विशाल कैंपस आप देख सकते हैं। इस कैंपस में आपको माता पार्वती का भी मंदिर है, साथ ही दो कुआं स्थित है इस मंदिर में, जहां भक्त लोग कुआं से जल लेके बाबा सिंहेश्वर को अर्पित करते हैं, उसके बाद बाबा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मंदिर के कैंपस में है और यहां पुजारी हैं, मैं उनसे बात करता हूं और यहां के मंदिर की विशेषता के बारे में जानकारी लेता हूं। हिंदी में कहोगे कि मैथिली में? हिंदी में। ये जो मंदिर यहां अवस्थित है उसके विषय में जो मान्यता है कि ये मैगी पर्वत हुआ करता था, अब विस्तार से बताइए। ये मैगनी नाम का पर्वत है और यहां पर घनघोर जंगल था, बगल होकर नदी बह रहा था कोसी का मुख धारा, और एक समय में ब्रह्मा जी और विष्णु जी को शिव जी से कोई मुलाकात भेंट करने की इच्छा से कैलाश गए, कैलाश में वो नहीं थे,
विष्णु भगवान देखे अंतर्ध्यान होके जो महादेव जी कहाँ हैं, तो वो देखे अंतर्ध्यान होके जो मैगरी नाम के पर्वत पर वो तो अति समाधि में रहते हैं, तो समाधि लगा के बैठे हुए हैं। तो वहाँ से ब्रह्मा जी और विष्णु जी यहाँ आए और यहाँ पर समाधि में देखे शिव जी को बैठे हुए। तो शिव जी जैसे ही देखे उनको, तो महादेव जी यहाँ हरिण के रूप में अवतरित हो गए। तो जैसे ही महादेव जी आए, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी आए, तो हरिण को जो जैसे देखे, तो हरिण का सिंह होता है, सिंह दोनों सिंह पकड़ लिए, पकड़े तो सिंह हाथ में रह गया, हरिण लुप्त हो गया और आकाशवाणी हुआ, जो आप लोग जिस कामना से आए हैं वो कामना पूर्ण होगा, ये सिंह अपने अपने लोक ले जाइए और स्थापित करके पूजा कीजिए, जो कामना से कीजिएगा वो कामना निश्चित पूरा होगा। तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी सोचे जो हम लोग कहाँ ले जाएंगे, लोक कल्याण के लिए, लोगों की मनोकामना पूरा करने के लिए ब्रह्मा जी और विष्णु जी द्वारा स्थापित कर दिया गया। तो यहाँ देखिएगा महादेव जी तीन भाग में बटे हुए हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश दोनों आदमी मिल के किए शिव जी को स्थापना, तो तीन भाग में विभक्त हो गया, इसलिए इनका महत्व ज़्यादा बढ़ गया, मनोकामना लिंग में इनका ज़्यादा महत्व बढ़ गया। यहाँ जो भी भक्त आते हैं तो उनकी आस्था पूरी होती है, इसीलिए जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी जो लोग के मनोकामना पूर्ण करने के लिए स्थापित किए, उस रोज से जो कामना से यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं व्यक्ति, उनको मनोकामना पूर्ण होता है। जैसे दशरथ जी को पुत्र नहीं होता था, तो उनको वशिष्ठ मुनि बुलाए, 12 पुराण में इसका जिक्र है सिंहेश्वर स्थान का, जो दशरथ जी को पुत्र नहीं हो रहा था, तो वशिष्ठ जी उनको बोले जो सिंगी ऋषि के बुलाकर यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ कराइएगा तब आपको पुत्र होगा। तो सिंगी ऋषि को निमंत्रण दिया गया और यहाँ पर बगल में है वहाँ पर पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ, तब भगवान जन्म चार भाई से जन्म लिए। तो वहाँ से ही मनोकामना पूर्ण होने का सिलसिला चला आ रहा है, अभी तक चल रहा है। यहाँ जो किस महीने में ज़्यादा भीड़ होती है? यहाँ सबसे ज़्यादा आपको महाशिवरात्रि मेला लगता है, जैसे सोनपुर का मेला बिहार में लगता है, वैसे ही महाशिवरात्रि मेला यहाँ भी लगता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, घोड़ा हाथी ऊँट सर्कस थिएटर तमाशा ये सब हर सारा चीज़ रहता है। और सावन में पूरे महीना, और सोमवारी को तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगता है, और सावन भादो दो महीना वो भी रहता है, लेकिन महाशिवरात्रि मेला इसका बहुत महत्व है। महाशिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला यहाँ आयोजित होता है, जैसे हरिहर क्षेत्र का मेला होता है सोनपुर में, उसी टाइप का यहाँ दूसरा मेला देखा जा सकता है जो पूरे एक महीने तक चलता है, यहाँ मेला ग्राउंड में वो मेला लगता है। और यहाँ जो बिहार सरकार के पर्यटन विभाग की तरफ से जो सुविधा दी गई है, जो पर्यटक घूमने के लिए आए, तो सवाल उठता है कि रात में ठहरेंगे कहाँ, तो यहाँ बिहार राज्य पर्यटन निगम की तरफ से एक ये धर्मशाला बना हुआ है जिसमें सारी फैसिलिटी उपलब्ध है, यहाँ बेड है, उसके बाद जो सरकार द्वारा जो निर्धारित चार्ज है वो सब उपलब्ध है, और निजी यहाँ होटल भी है, विवाह भवन भी है। यहाँ इस जगह पे जिस जगह पर हम अभी हैं वहाँ आपको यहाँ लोकल में जो शादी विवाह का आयोजन होता है, तो ये जगह है, जो जगह हम अपने सहयोगी से बताएंगे, इस जगह पे पार्क बना हुआ है और पूरा सजा हुआ है फुलवारी से, यहाँ लोग पंडाल बनाते हैं और यहाँ शादी होती है, साथ ही जब लोग जो गेस्ट आते हैं वो भी यहाँ इस जो पर्यटन विभाग का जो होटल आप देख रहे हैं यहाँ लोग ठहरते हैं। यहाँ जो प्रबंधक को रखा गया है यहाँ देख रेख करने के लिए, मैं उनसे बात करता हूँ। आप का हमारे चैनल में स्वागत है जी, धन्यवाद। और आप बताइए, यहाँ सरकार द्वारा जो पर्यटन विभाग का जो ये धर्मशाला है उसमें क्या क्या फैसिलिटी है? यहाँ अटैच बाथरूम डबल बेड का रूम है, जिसमें नॉन एसी भी है, एसी भी कमरे हैं, और इसका टैरिफ बहुत ही नॉमिनल है, जो भी कोई भी नीचे तबके का पर्यटक यहाँ पे आकर ठहर सकते हैं। जैसे नॉन एसी का 300 रुपया टैरिफ है डबल बेडेड रूम का, और एसी का 850 रुपया है। फिर उससे ऊपर का रूम है, एक स्वीट रूम टाइप का है, जिसका 1200 प्लस टैक्सेज है। अच्छा, एक चीज़ और हम जानकारी चाहेंगे आपसे कि कोई जो दूर से कोई पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, तो
तो फोन पर बुक होता है कि नहीं? हाँ हाँ, ऑनलाइन भी इसका बुकिंग होता है BSTDC के साइट से, वहाँ से जाके कोई भी पर्यटक ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो प्लान बनाते हैं कि हम बाबा सिंहेश्वर का दर्शन करने जाएंगे बिहार के मधेपुरा और सिंहेश्वर में, तो वहाँ आप उससे पहले कि किस होटल में मुझे रुकना है, तो आप इसको वेबसाइट पर डाला गया है, आप वेबसाइट पर उसको पहले से बुकिंग कर सकते हैं। और यहाँ तो कुछ शादी विवाह जो आयोजन होता है उसका भी व्यवस्था है ना यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे शादी का भी स्थानीय लोगों के द्वारा बुकिंग किया जाता है शादी के इवेंट के लिए, और अच्छे तरह से आयोजन होता है। सिंहेश्वर स्थान में इससे बढ़िया कोई स्थान नहीं है जहाँ शादी इतना ढंग से किया जाए, चूँकि यहाँ लॉन भी है, तो इसमें जब इवेंट होता है तो बहुत बढ़िया आकर्षक लगता है। संजोग से मुझे भी एक शादी समारोह में शामिल होने का मौका मुझे मिला हुआ है, मैं यहाँ रुका हुआ हूँ और बहुत अच्छा लगता है। रात में जब यहाँ लाइटें लग जाती है तो बहुत आकर्षक लगता है यह जगह। साथ में आपको यहाँ ये CCTV से भी लैस है यह जगह। तो हम आपको सिंहेश्वर ये जो मंदिर है वहाँ जो फैसिलिटी व्यवस्था है हर चप्पे चप्पे से धार्मिक यात्रा के तहत आपको अवगत करा रहे हैं। हम कैसे पहुँचे सिंहेश्वर स्थान बाबा का दर्शन करने के लिए? रेल मार्ग से पटना से दौरम मधेपुरा पहुँचा जा सकता है, और सड़क मार्ग से आप ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो सिलचर को गुवाहाटी से जोड़ती है उस सड़क पकड़ के एक भपटियाही से सुपौल होते गमरिया होते आप पहुँच सकते हैं सिंहेश्वर स्थान, और दूसरा ये सिमराही होके आप पिपरा होते पहुँच सकते हैं सिंहेश्वर। तो यहाँ पहुँचे और जैसे मनोकामना लिंग है, लोग आते हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था और उनको राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसा तेज प्रतापी पुत्र प्राप्त हुआ, उसी तरह जो भी मन में इच्छा हो इस दरबार में पहुँचे और यहाँ बाबा मनोकामना जो है बाबा सिंहेश्वर हर भक्त की मुराद पूरी करते हैं। तो हम धर्म यात्रा के तहत थे और बाबा का हम अंतिम नाम पूछ लेते हैं। मेरा नाम प्रभास कुमार ठाकुर है, मैं सिंहेश्वर मंदिर का पुजारी हूँ। प्रभास कुमार ठाकुर थे, और हम अगली बार अगले चरण में कोसी और मिथिला के किसी और धर्म स्थान से हम आपको कराएंगे रूबरू। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए और लाइक सब्सक्राइब फॉरवर्ड अवश्य करें। अपने सहयोगी मनोज कुमार के साथ मैं बलराम कुमार सर्राफ सिंहेश्वर स्थान से, धन्यवाद।